सभी को। और आज तो महादेव करना बनता ही है, क्योंकि आज मतलब कि हम होता मार्केट में आ चुके हैं और यहाँ पर कर्नाटक के प्रोड्यूसर महादेव जी को बनाया गया है दुर्गा पूजा पंडाल के रूप में। तो देखिए कितना कई पूजा पंडाल बनाया गया है और टॉप 10 की श्रृंखला पर भी पूजा पंडाल आता ही आता है, हर साल आता है। तो आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं प्रोड्यूसर महादेव जी का ये प्यारा सा पंडाल जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। आइए हमारे साथ। ज़्यादा है, कितना बारीकी सारा काम किया गया है, बहुत ही। और याद रखिए यहाँ पर हमारे भोलेनाथ को हर एक रूप में, जो सोमनाथ है, मल्लिका अर्जुन है, महाकालेश्वर है, हर तरीके से जितने ज्योतिर्लिंग सबके यहाँ पर, सभी को यहाँ पर अलंकृत किया गया है। पूरा ही देख सकते हैं यहाँ पर थीम लेकर के पूरा काम किया है। पंडाल बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये हथुआ मार्केट है जो टॉप 10 में हमेशा ही नंबर 1 पर आता है, हर साल की बात ही हो चुकी है। वाकई भी इतना जो काम यहाँ इतना अच्छा होता है ना, काबिल तारीफ होता है। हमारा जो बनारस है ना, किसी मामले में कहीं से कम नहीं है। इन सब चीज़ों को देखकर तो यही लगता है। तो गाइस देखिए यहाँ पर खूबसूरती चार चांद लगाने के लिए यहाँ फाउंटेन वगैरह भी स्टार्ट कर दिए गए हैं और जो स्टॉल लगाए गए हैं यहाँ पर, आइसक्रीम पार्लर खुल गया है। वाह क्या बात है भैया, ये तो भैया एकदम गजब का होगा, उसमें सुहागा हो गया है। अब मैं तो एक बात बताऊँ मैं आपको, जितनी आप रात में आएंगे 2-2:30 बजे निकलेंगे घर से बाहर, उतना आपको थोड़ा खाली खाली में भीड़ भाड़ का थोड़ा कम करना पड़ेगा। जब घूमने के पर्पज़ से निकलना हो आपको बाहर, थोड़ा सा आप समय लेकर निकलिए और रात में निकलेंगे तो और बेहतर होगा, भीड़ भाड़ से बचे रहेंगे, है कि नहीं। तो थोड़ा सा देर से निकला करिए, जैसे हम लोग निकले हुए 2-2:30 बजे निकलेंगे ना, तो इतना भीड़ नहीं मिलेगा आपको, है कि नहीं। देखिए उसका आवाज़ बता रहे हैं आपको हम, तो मैं नीचे आप लोग हाँ देखिए यहाँ पर सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, कितना बढ़िया देखिए लग रहा है। अरे फोटो खिंचवाया जाए, आइए। तो देखिए यहाँ पर कितना बड़ा काउंटर बनाया गया, लाइटिंग वाइटिंग लगा करके
देखिए यहाँ पर पिज्ज़ा और सब कुछ मिल रहा है आपको खाने पीने की चीज़ें, और मेले में अगर गुलगप्पा नहीं खाया तो क्या ही खाया। देखिए जितनी भीड़ गुलगप्पा की दुकान मिलेगी आपको मिलने वाली है उतना और कहीं नहीं दिखने वाली है ना। यहाँ मेले ठेले में गुलगप्पा खाइए, झूला झूलिए और क्या ही चाहिए आपको, पूरा इंजॉय करिए, फैमिली साथ करके अपनाइए। और हाँ मैंने कहा ना थोड़ा रात देर रात को आया करिए, भीड़ कम मिलेगी, ये बहुत बड़ी बात बता रहे हो आपको, तो बताएगा नहीं आपको। अच्छा